प्रीव्यू वक्त संपत्ति मुसलमानाची नाही कोणाची चपाची। आज महाराष्ट्र राज्य वक्त मंडल में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज जो है शेख सोहेल साहब जो हमारे औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स औरंगाबाद शहर सचिव के पदभार से सम्मानित किया गया है और हमारे शहर के मशहूर कानूनदा एडवोकेट शेख समीर साहब को वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स का लीगल एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। इन दोनों हजरात की नियुक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फारूक उस्मान साहब की और महाराष्ट्र अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी साहब की और ज़िला अध्यक्ष खालिद नेहरी साहब की और शहर अध्यक्ष शेख नूर साहब की सहमति से इन दोनों को पदभार से सम्मानित किया गया है। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स प्रदेश महासचिव आपको कुछ इत्तला देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से जो मृत्यु नोंदनी सेंटर था वो बंद कर दिया गया है, जिससे जिनके भी लोगों के वारिसदार इंतकाल कर रहे हैं, डेथ हो रही है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। मुस्लिम दफन भूमि जो है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की मालमत्ता है। मैं वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से ये अपील करता हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए मृत्यु केंद्र यहाँ शुरू किया जाए ताकि जिनके पास भी कोई इंतकाल होता है तो उसके मृत्यु की यहाँ पर नोंदनी शुरू हो जाए, वक्फ बोर्ड में एक नोंदनी सेंटर शुरू किया जाए। दूसरा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड पूरे महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है, इसलिए महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर लोग आए बाद में जब उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो चेयरमैन से या मेम्बरान से मिलने की कोशिश करते हैं जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आते। अब उनको अपना कोई निवेदन देना है, कोई दरख्वास्त देना है, कोई कंप्लेंट करना है, कोई एक्शन देना है तो किसको दे। तो मैं वक्फ बोर्ड के मेम्बरों से, चेयरमैन साहब से और सीईओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर एक आवक जावक सेंटर शुरू किया जाए, जो चेयरमैन को और मेम्बरों को जो भी लोग अपने ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं वो दे सके। तीसरा, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उस वक्फ प्रॉपर्टी का सरकारी दस्तावेजात पर नाम ना होने की वजह से सरकारी अधिकारी और ज़मीनी माफिया मिलकर वक्फ बोर्ड को लूट रहे हैं। अगर सरकारी दस्तावेजात पर यानी कि 7/12 पर, पीआर कार्ड पर, नमूना नंबर 9 पर और दूसरे सरकारी दस्तावेजात पर अगर वक्फ बोर्ड का नाम हो तो फिर कब्जे और ज़मीनी माफिया की चांदी होने से बच जाएंगी। इस ताल्लुक से महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में एक जीआर द्वारा गवर्नमेंट के 25 डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया था कि तमाम वक्फ बोर्ड की जायदाद पर, सरकारी दस्तावेजात पर वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज किया जाए, लेकिन सरकारी महकमा जात ने इस पर कोई अमल नहीं किया। फिर 2022 में यही जीआर को, परिपत्र को रिपीट किया गया लेकिन इस पर कोई अमलावरी नहीं हुई। और मैं आपकी एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि पिछले दिनों औरंगाबाद में 16 और 17 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर अपने काम में कितने फ़र्ज शनाज है। जैसे ही सीएम ने इधर ऐलान किया कि औरंगाबाद का नाम चेंज, उधर बोर्ड लग गया, संभाजीनगर का बोर्ड लग गया। लेकिन 2016 में जो जीआर निकाला था हुकूमत ने कि वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। ज़िला कलेक्टर को भी इतनी जल्दी थी नाम चेंज करने की, बोर्ड लगाने की, लेकिन यही ज़िला कलेक्टर को और अदर 25 डिपार्टमेंट को हुकूमत महाराष्ट्र ने जीआर द्वारा बताया था कि वक्फ मालमत्ता की सुरक्षा के लिए 7/12 पर और पीआर कार्ड पर, नमूना नंबर 9 पर और सरकारी दस्तावेजात पर वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ाया जाए, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ। अब इसको आप ज़िला कलेक्टर का और डिविजन कमिश्नर का जाति बात कहिए या धर्म बात कहिए। मैं महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से दरख्वास्त करूँगा
माननीय सभा को दरखास्त करूंगा कि वक्त प्रॉपर्टी को अगर बचाना है तो इन अधिकारियों के खिलाफ आपको काम करना होगा। थैंक यू।